हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी गाइस सुबह के बजे हैं 9:30 और मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि गाइस आप जानते हैं, विंटर स्टार्ट हो चुका है और सर्दी की वजह से हमारी स्किन की हमें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी स्किन डल पड़ती जाती है, रूखी सूखी, बहुत केयर करनी बहुत जरूरत हो जाती है। अदरवाइज हम लोग रिंकल्स पड़ जाते हैं जल्दी से, या स्किन रूखी सूखी आ जाती है, स्किन ग्लोइंग नहीं दिखती है, चमक बिल्कुल खत्म हो जाती है, रफनेस लगने लगती है स्किन के ऊपर। तो गाइज इसके लिए आज मैं बहुत ही सिंपल सी आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, और वो सिंपल सी होम रेमेडी। इसमें मैं दो इंग्रेडिएंट को यूज करने वाली हूँ। इन दो इंग्रेडिएंट को आप यूज करके अपनी स्किन को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिल्कुल नेचुरल बना सकते हैं, और आपकी स्किन पर अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो गाइस आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर्दी चल रही है तो हमारी स्किन रूखी सूखी हो रही है। आप इसको दिन में एक बार जरूर लगाइए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही सिंपल है। और जो मैं इंग्रेडिएंट इसमें यूज करने वाली है, फर्स्ट ये है मलाई। तो गाइज ये बहुत सिंपल है, सबके घर में दूध आता ही आता है, तो मलाई आपको इजिली घर पे मिल जाएगी, तो इसलिए मैं बताने अब मैंने ये मलाई ले ली है, आप देख सकते हैं इसमें। और सेकेंड इंग्रेडिएंट जो मैं यूज करने वाली हूँ, हल्दी। तो गाइज ये हल्दी मैंने ली है, तो आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि हल्दी हम लोग यूज करते हैं, तो आप हम लोग वैसे जनरली मार्केट की लेकर आते हैं, पर अगर आपको कहीं अच्छी ओरिजिनल हल्दी मिल जाती है, इसमें केमिकल्स ना हो, जो आपको घर की बिल्कुल मिल जाए तो बेस्ट है। क्योंकि ये जो हल्दी मैंने ली है प्रॉपर, मुझे एक हमारे जानने वाले रहते हैं तो प्रॉपर विलेज में उनकी खेती होती है, तो उन्होंने बिल्कुल प्योर मुझे लाके दी है। तो मैंने ये फील किया है कि जब मैं जो मेरे घर की मैं हल्दी यूज करती हूँ और जब मैं ये यूज करती हूँ, तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है अपने फेस के ऊपर। जैसे कि गाइज मैंने भी काली हल्दी का वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत प्यार मिला उसमें आप सबका। और अगर आप मेरी वीडियो में फर्स्ट है, आपने नहीं देखा तो गाइज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें टर्मरिक का मैंने बहुत अच्छे से यूज किया गया है, और उस वीडियो में भी मैंने ओरिजिनल टर्मरिक ही यूज करी है, उसका बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले, और जिन्होंने भी उसको यूज किया उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए हैं। तो आज अगेन मैं इस हल्दी को यूज करने वाली हूँ। तो गाइज सिंपल मैं बताने वाली हूँ, अब मैंने ये ले ली हल्दी, आप अपनी जरूरत के अनुसार हल्दी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने देख लिया, आप ले चुकी हूँ मलाई, अब इसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हल्दी जो नेचुरल होती है बहुत ज्यादा कलर छोड़ती है, तो आपकी स्किन येलोइश हो सकती है बहुत ज्यादा, फिर आप बाद में उसको हटाने के लिए कुछ फेस वॉश या कुछ यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। जितनी कम हल्दी डालें वो सही रहेगा, क्योंकि बहुत हल्का सा भी अच्छा काम करती है। अब देखिएगा इसमें डाल रही हूँ पिंच ऑफ हल्दी। अब इसको जो है हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं मिक्स हो गई अच्छे से, थोड़ा सा येलोइश कलर हो गया इसका। और अब इसको हम लोग फेस पर अप्लाई करेंगे। तो गाइस बहुत सिंपल है दोनों चीजें जो मैंने यूज करी हैं। अगर आप विंटर में इन दोनों को यूज करते हैं, आप दोनों चीजों को डेली आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए नरिशिंग करेगा, नेचुरल ग्लो आपकी स्किन को देगा, बिल्कुल भी ड्राइनेस आपकी स्किन पर नहीं आने वाली है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं डेली घर पर। तो मैं आपको, तो गाइस अब मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ इसको कैसे लगाना है। तो इस तरह से आप इसको पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे, मलाई आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो करता है, मलाई आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो करता है। इसको अगर आप डेली लगा लेंगे तो मुझे लगता भी नहीं कि आपको सिर्फ इसके अलावा कोई भी क्रीम यूज करने की जरूरत पड़ेगी। और गाइस नेचुरल चीजें हमेशा आपकी स्किन के लिए बेस्ट रहती है, हमें जितना चाहो आप नेचुरल चीजें यूज करोगे तो कभी आपको पिंपल्स हो गया, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, ये सब कभी आएगी नहीं। तो अगर आप इसको यूज करते हैं रेगुलर, तो गाइज मैं अपने फेस पर इसको अप्लाई कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और आप इसको नेक पर भी प्रॉपर इस एरिया में भी, और आप इसको नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे देख चुके हैं पतली पतली लेयर मैं लगा चुकी हूँ, तो आप इस तरह से लगाकर इसको छोड़ देंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए। आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, तो मैं 15 to 20 मिनट्स के बाद आपसे फिर मिलती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कैसे इसको करना है। तो गाइस 15 to 20 मिनट्स के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसके बाद हम फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मुझे 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से सूख गया है ये। तो गाइस अब मैं इसको वॉश कर दूंगी, वॉश करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको अपना फेस कितना ग्लोइंग हो जाएगा इससे, बहुत नेचुरल रेमेडी है।
तो गाइज मैं अपना फेस जैसे कि वॉश करके आ चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगी। गाइज जब आप लोग मलाई अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो मलाई के अंदर बहुत ज्यादा चिपचिपापन होता है जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप उससे सिंपल पानी से वॉश करोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपकी स्किन, जैसे आप देख सकते हो, थोड़ा नमी टॉवल लेके आप उसको अच्छे से इस तरह से पोंछ लेना, जैसे कि मैंने पोंछा, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी चिपचिपापन और वैसा फील नहीं होगा, क्योंकि मलाई के अंदर बहुत नरिशिंग होती है। मलाई लगाने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना शाइन आ रहा है। और जो हल्दी होती है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है, आपकी स्किन को फेयर करती है, तो आपकी स्किन को ग्लो भी करेगी, फेयर भी करेगी, तो दोनों चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो गाइस चलिए बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ ऐसे ही, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि सबके पास मेरी यूजफुल वीडियो पहुंच सके। तो गाइज होप सो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अब विंटर के मौसम में आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा, विंटर के वेदर में आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसे लगी। तो ओके गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।